साल 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस का उद्देश्य विश्व भर में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए वातावरण निर्मित करना और हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में पेश करना। विदेशों में भारत के दूतावास इस दिन को विशेष रूप में मनाते हैं। इस दिन सभी सरकारी कार्यालयों में विभिन्न विषयों पर हिंदी के लिए अनूठे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। विश्व हिंदी दिवस को मनाने की शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 10 जनवरी 2006 को की थी। तभी से हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। बता दें कि विश्व हिंदी दिवस के अलावा हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। नमस्कार, मैं आयुषी सभी का स्वागत करती हूँ। आइए जानते हैं विश्व हिंदी दिवस से जुड़ी 10 बातें। दुनिया भर में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित किया गया था। इसीलिए इस दिन को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस सम्मेलन में 30 देशों के 122 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। 2006 के बाद से हर साल 10 जनवरी को विश्व भर में विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 10 जनवरी 2006 को हर साल विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। विदेशों में भारतीय दूतावास विश्व हिंदी दिवस के मौके पर विशेष आयोजन करते हैं। सभी सरकारी कार्यालयों में विभिन्न विषयों पर हिंदी में कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। नॉर्वे में पहला विश्व हिंदी दिवस भारतीय दूतावास ने मनाया था। इसके बाद दूसरा और तीसरा विश्व हिंदी दिवस भारतीय नॉर्वेजी सूचना एवं सांस्कृतिक फोरम के तत्वाधान में लेखक सुरेश चंद्र शुक्ला की अध्यक्षता में बहुत धूमधाम से मनाया गया था। विश्व हिंदी दिवस के अलावा हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया था, तभी से 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अभी विश्व के सैकड़ों विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है और पूरी दुनिया में करोड़ों लोग हिंदी बोलते हैं। यही नहीं, हिंदी दुनिया भर में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली 5 भाषाओं में से एक है। दक्षिण प्रशांत महासागर के मेलानेशिया में फिजी नाम का एक द्वीप है। फिजी में हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है। इसे फिजियन हिंदी या फिजियन हिंदुस्तानी भी कहते हैं। यह अवधि भोजपुरी और अन्य बोलियों का मिला जुला रूप है। पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, न्यूजीलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, युगांडा, गुयाना, सुरीनाम, त्रिनिदाद, मॉरिशस और साउथ अफ्रीका समेत कई देशों में हिंदी बोली जाती है। साल 2017 में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में पहली बार अच्छा, बड़ा दिन, बच्चा और सूर्य नमस्कार जैसे हिंदी शब्दों को शामिल किया गया। विश्व आर्थिक मंच की गणना के अनुसार हिंदी विश्व की 10 शक्तिशाली भाषाओं में से एक है।